इस बार वो खुशी के नदानों को घर मिले, लायों को घर मिले। इस बार वो खुशी के नदानों को घर मिले, नदानों को घर मिले। इस बार वो खुशी के बतौर खास दोस्तों के लिए पढ़ा हूँ, लाला फरमाए कि कुछ हमको उम्मीद पर ऐसे भी घर मिले, 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 कि कुछ हमको उम्मीद पर हुकूमत की जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन को मानने पर हम मजबूर थे, इसीलिए हम इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा न कर सके। अल्लाह तबारक व तआला रहम करे हुकूमत के साथ। क्या कह सकते हैं कि शराबों की दुकानों पर भीड़ जमा करने की इजाज़त तो थी, लेकिन अल्लाह के सामने सजदा रेज होने की इन्होंने इजाज़त न दी। अल्लाह ऐसे हालात मुसलमानों पर कभी ना लाए, उम्मत के साथ हमेशा अच्छे हालात रहे, इसकी कामनाएं और दुआएं करते हुए मैं शेर पढ़ रहा हूँ। लाइला करें, ये हुक्म है नमाज अदा घर में कीजिए, ये हुक्म है नमाज अदा घर में कीजिए, के ये हुक्म है नमाज अदा घर में कीजिए, बाहर वो खुशी के नदानों को घर मिले। वो ईद तो हमारी वो घर हमसे कम नहीं, वो ईद तो हमारी मुहर्रम से कम नहीं, वो ईद तो हमारी मुहर्रम से कम नहीं। असगर से जिसमें भाई न के बड़े अगर मिले, इस बाहर वो खुशी के नदानों को घर मिले। और शेर पर तुझे खास अंदाजा फरमाए, 1400 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ,
तमाम दोस्तों से दुआओं की दरखास्त है। मैं मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार। याद रखिएगा लॉकडाउन चल रहा है, गाइडलाइंस पर अमल करें, अपने घरों पर रहें। यहीं से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। शुक्रान या रब्बी, शुक्रान।